के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि गतिविधियों की, कृषि शिक्षा साहित्य की, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे कृषि गतिविधि भाग की। आज इसमें क्या कुछ खास है दिखाएंगे आपको। ना सिर्फ कृषि जगत की अलग अलग तकनीक जो है वो सारी जानकारी हम आपको देते हैं, आज बेहद ही खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। क्या है ये जानकारी, आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना का मकसद निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना, रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ना, राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से वैश्विक और स्थानीय उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, साथ ही निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेगा जिससे उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके, सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सीधी बातचीत को सुगम बनाया जा सके और उद्योग के दूसरे निवेशकों के साथ जोड़ा जा सके। डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर के माध्यम से निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष के अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME, किसान उत्पादक संगठनों और संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र संस्थाओं की ओर से इस योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन की बुनियादी अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना के साथ साथ पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए उठाया जा सकता है। ऋण 6 साल में अदा करना है। निर्धारित अवधि में अदा न करने वालों को 2 साल की छूट मिलेगी और ब्याज में 3% की सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी। इस कोष से उन सभी निजी कंपनियों, विशिष्ट उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाता है जो डेयरी एक्सेलरेटर @ismgr.nic.in पर डेयरी क्षेत्र में निवेश करने और इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर तक पहुंच प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। डेयरी क्षेत्र के बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक और पशु चारे के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना निवेश की जरूरत होती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों, ताज़ा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का लगभग 40% है। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृषि साहित्य की, जिसमें आज आपको हम जानकारी देंगे खेती पत्रिका के बारे में। जुलाई का जो उसका अंक हमारे पास आया है उस बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और एक महत्वपूर्ण पत्रिका कृषि जगत की जो कि लगातार 74 वर्षों से किसानों के बीच पहुंच रही है, जानकारी दे रही है, इस बार के अंक में क्या है खास, ये जानेंगे उनके संपादक के साथ। तो जैसा हमने आपको बताया, पत्रिका पर समीक्षा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री अशोक सिंह जी। आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिंदी संपादक विभाग के में भी प्रभारी हैं और खासतौर से आज जो खेती जो महत्वपूर्ण पत्रिका है इसके भी प्रधान संपादक हैं आप। इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मुकुल जी। जी, सबसे पहले अशोक जी, हम जानना चाहेंगे खेती पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो अब ये कोई नया नाम नहीं है, कृषि जगत में अलग अलग पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं, लेकिन खेती पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जानकारी देने के लिए। और जितना अगर देखा जाए काफ़ी पुरानी ये पत्रिका है, क्या स्थिति और एक विश्वास के साथ जो पाठक है वो अब इसको पढ़ते हैं? नहीं, ये बड़ा आपने प्रासंगिक सवाल किया है। ये खेती पत्रिका, जैसे आपने भी बताया कि 1948 से प्रकाशित हो रही है, 74 साल इसको लगातार प्रकाशन के हो चुके हैं जी। और खेती पत्रिका की सबसे खासियत ये है कि ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
जो देश भर में कृषि अनुसंधान का काम अपने संस्थानों के जरिए नेटवर्क के जरिए करता है जी, उसकी जो ऑथेंटिक रिसर्च होती है जो वैज्ञानिक करते हैं उन्हीं रिसर्च को इसमें प्रकाशित किया जाता है जी, वो किसानों की भाषा में होती हैं और किसानों के लिए उपयोगी जो टेक्निक्स हैं टेक्नोलॉजी है उसके बारे में फोकस होता है जी, चाहे वो आप खेती की बात कर लीजिए, चाहे पशुपालन की बात कर लीजिए, चाहे मछली पालन की बात कर लीजिए, तो इन सब का इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हर चीज़ पर हम लोग इस तरह की जानकारियाँ किसानों की भाषा में उनके जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से दें जी। और ये भी आप समझते होंगे कि किसान जो है कई बार जो वैज्ञानिकों जो जो किसानों के अनुभव हैं उन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जी, तो हम लोग ऐसी चीज़ों को इसमें डालने की कोशिश करते हैं जो सफलता गाथा हैं जिनको कहते हैं जी, कि किसान ने की जो उपलब्धि है उसको, जिससे कि वो उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें जी, यानी जो वास्तविकता है वो सीधे तौर पर इसमें झलकती है। और ख़ासतौर से क्योंकि ये मासिक पत्रिका है, अभी इस महीने की अगर बात की जाए तो कई हम मान सकते हैं कृषि कार्य रहते हैं, मानसून का ये समय रहता है, तो जाहिर तौर पर जानकारी किसानों तक पहुँचना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या कुछ जानकारी इस बार के अंक में है? इस पत्रिका में हम लोगों ने पिछले 6-7 साल से कॉलम शुरू किया है अगले माह खेतों में जी, तो ये चूंकि पत्रिका एक माह पहले आ जाती है, यानी कि जून में ये इशू आ गया था हमारा जुलाई वाला जी, तो उसमें ये इसलिए होता है कि जैसे कि जुलाई माह के जो कृषि कार्य हैं उसको किसान समय रहते वो लोग कर सकें जी, और इसमें हर प्रैक्टिकली हर फसल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होती है जो इस समय की ज़रूरतें होती हैं उन फसलों के बारे में, चाहे निराई गुड़ाई हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे कीटनाशक की बात हो, अलग अलग फसलों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। तो ये जो कॉलम है ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ है हमारे किसानों के बीच में जी, और वो इसकी जानकारियों से बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं जी। कई बार हमारे पास ऐसी सूचनाएँ ऐसे फ़ोन भी आते हैं जो हमें बताते हैं कैसे उनको फ़ायदा हुआ, एक छोटी सी उन्होंने एक चीज़ बदली थी उसी से फ़ायदा हो गया जी। नहीं तो ये जो कृषि में कहावत है कि लकीर के फकीर वाली बात जो है उसको थोड़ा हटाने में जो हम लोग अपनी मैगजीन के माध्यम से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसान नई चीजों के प्रति जागरूक हों और उसमें काफी सफल भी रहे हैं, कोशिश तो यही है जी। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन अगर जिस तरीके से हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि जानकारी हम लगातार देते हैं, लेकिन जो किसान है उनका ये भी मानना है कि सिर्फ जानकारी ना दी जाए बल्कि रंगीन चित्र हम देखते हैं जिसके जरिए अलग अलग माध्यमों से किसानों को बताया जाता है, तो इसमें और क्या कुछ इस तरह का शामिल किया गया है? हमारी पत्रिका, जैसे मैं एक पत्रिका दिखा सकता हूँ जी, जी बिल्कुल, ये हमारा नया अंक है जुलाई अंक खेती का जी, तो आप देख सकते हैं कि ये पत्रिका रंगीन है और ये 80 पेज की लगभग पत्रिका है जी, और ये पूरी की पूरी रंगीन इसीलिए रखी गई है ताकि किसानों को अपनी फसलों से संबंधित जो कीट लगे हैं उनके क्या लक्षण हैं या कोई रोग लगा है तो उनके क्या ऐसी ऐसी चीज़ें जिनसे वो इस चीज़ को समय रहते समझ सकें कि उनमें जो फसल है उनकी वो किस तरह संक्रमित हो रही है, प्रभावित हो रही है, और उसका वो वैज्ञानिकों से पूछ के या और जो उनके आसपास जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लेकर उसका इलाज समय पर कर सकें जिससे कि उनकी फसल जो है वो बच जाए। इसी तरह पशुपालन के बारे में भी बात होती है, तो इसमें जो चित्र हम लोग देते हैं उसकी यही खूबी यही होती है कि उन चित्रों में उन उन कीटों के बारे में, उन रोगों के बारे में, उन लक्षणों के बारे में दर्शाया गया होता है कि किसान अगर वो निगाह डालेगा तो वो भी समझ सकता है कि उनकी खेती यानी एक जो शिकायत हम कह सकते हैं जो किसानों की या उम्मीद भी रहती है कि जब जो विशेषज्ञ हैं उनको बताते हैं कि ये रोग हो सकता है, ये लक्षण हो सकते हैं, तो यहाँ इस पत्रिका के जरिए वो खुद इसको देख सकते हैं। बिल्कुल जी, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण, लेकिन एक जो उद्देश्य के साथ हम अगर बात करते हैं, खेती पत्रिका सही तौर पर मासिक पत्रिका है, जिस उद्देश्य के साथ इसका प्रकाशन होता है कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाठक हैं इसके हो सकें, लेकिन जो हमारे नए छात्र हैं या कृषि में जो रुचि ले रहे हैं क्या उनके लिए भी इसमें किस तरह की खास बात है? नहीं, इस पत्रिका को हम लोगों ने बुनियादी तौर पर सिर्फ किसानों तक ही सीमित रखने की कोशिश नहीं की है, प्रगतिशील किसान जो हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो नई नई जानकारी जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो उनके लिए उनके अपने कोर्स के लिए भी उनकी जानकारी के लिए भी जो उपयोगी हो सकते हैं उसको हम लोग डालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग सिर्फ अनुसंधान संस्थानों से ही नहीं, कृषि विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इवन कुछ स्टूडेंट भी इसमें समय समय पर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं, जो वहाँ पर शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनसे संबंधित व्यवहारिक चीज़ जो है वो किसानों तक पहुँच सके। तो इस खेती को हम लोगों ने सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रखा है, इसका एक काफ़ी बड़ा हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, और पत्रिका जो होती है उसमें संपादकीय प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, इस बारे में चाहूँगा इस बार इसमें क्या कुछ खास जानकारी आपने दी है? हर बार हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो नई चीज़ जो हुई है, सामयिक जो घटनाएं हैं उनके ऊपर हम लोग बात करें जी,
तो इस बार की जो इशू है इसमें हम लोगों ने एक सरकारी योजना थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जिसमें कि बुनियादी तौर पर यही बात थी कि किसान तक जो सरकार जो कोशिश कर रही है वो क्या क्या कोशिश कर रही है और कैसे किसान वहाँ तक पहुँचें। तो हमने उस एडिटोरियल में यही बताने की कोशिश किया कि ये नई योजना है, नया कार्यक्रम है और उसके बारे में आप अपने स्रोतों से आप जानकारी लेके उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। जी अशोक जी, योजना के बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो जिसका जिक्र इसमें किया गया है? मैं जो योजना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देना चाहूँगा। जी, इस बार एक्चुअली बात यह है कि हमारी जो कृषि है अभी भी अधिकांश जगहों पर जिसमें कि किसानों के अपने साधन संपन्न नहीं होने के कारण वो लोग ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे, अभी भी हल बैल या जो मानवीय श्रम है उसका उपयोग हो रहा है। तो इस बार की हम लोगों खेती में ये एक एडिटोरियल में हमने एक नई जो गवर्नमेंट की योजना है कृषि मशीनीकरण के ऊपर कि मैकेनाइजेशन कैसा हो। जी, सारे देशों में विश्वभर में मैकेनाइजेशन की तरफ पूरा बढ़ रहा है लेकिन हम लोग अभी अपने सीमित संसाधनों की वजह से नहीं बढ़ पाए। तो इस बार की इस खेती में ये हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि सरकारी एक योजना है जिसमें कि किसान अगर अपने आप मशीन नहीं खरीद सकते हैं तो भी एक गवर्नमेंट की योजना के हिसाब से मशीनों के लिए सब्सिडी दी जाती है और एक जगह वो पूल होता है कि किसान वहां पर एक छोटी सी रकम किराए के तौर पे देकर उस मशीन का उपयोग कर सकते हैं। जी, तो इस तरह की मशीनों हमारे किसान जानते भी हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर जो इस तरह के बनाए गए हैं उन्हीं के बारे में बेसिकली ये इस पर गई टूरी। ये तो बात हुई संपादकीय पृष्ठ की भी, लेकिन जैसा आपने कहा कि कई सारे जो लेख हैं उनको भी यहाँ समावेश हमें इस पत्रिका में नजर आता है, कुछ खास लेख जिनका आप जिक्र करना चाहें? इस पत्रिका में हम लोगों ने तीन चीजों पर मुख्य रूप से फोकस किया है इस अंक में। जी, एक तो पशुपालन से संबंधित, पशुपालन में भी जो पशुओं के जो रोग होते हैं उनको हमने अपने लिया है, बकरी के बारे में, बकरी पालन में क्या क्या चीज़ें नई आपको करनी चाहिए जिससे कि और उत्पादकता बढ़े, इस तरह की बातें हैं, और फिर पशुओं की जो उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। दूसरा हमारा फोकस है जो कृषि फसलें हैं आमतौर से जिनके बारे में बात हो रही है, धान हो गया या गेहूँ हो गया, इस तरह की बातें हैं जिसमें फूड प्रोसेसिंग भी उसका एक हिस्सा है कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें आप, जैसे रागी है, रागी का आजकल काफ़ी पोषण पौष्टिक महत्व है, तो रागी के बारे में उसके कैसे पोषक मतलब उससे प्रोसेस करके कैसे आप बना सकते हो और किसान उससे ज़्यादा कैसे कमा सकता है, तो उसमें आमदनी की बात और आय बढ़ाने की बात भी उसमें शामिल है। तो ये दोनों चीज़ों को फोकस करके हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा एक चीज़ और बताऊं, जैसे इसमें बटेर पालन के बारे में बात है, मधुमक्खी पालन के बारे में बात है, तो किसान वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण तो समन्वित खेती यानी कि एकीकृत खेती यानी कि कई चीज़ों को एक साथ करते हुए कैसे आप एक चीज़ का जो कच्चा माल है उस दूसरी चीज़ में कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है, यानी गागर में सागर जो है सार्थक होता है नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से ये हमारे 20-25 जो लेख होते हैं वो इतनी जानकारी वो दे देते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज उनको आकर्षित करेगी किसानों। जी बिल्कुल, लेकिन आकर्षण की जब बात आती है तो इसका जो मूल्य है वो भी हम आपसे जानना चाह रहे हैं और कहाँ ये उपलब्ध हो सकती है पाठकों को? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 से 100 पेज की हमारी आमतौर से ये हर माह की ये पत्रिका है जी, और पूरी रंगीन है, और इसका मूल्य किसानों के लिए और जो हम जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनके जो क्रय शक्ति है क्या है उसके हिसाब से 30 रुपये मात्र रखा गया है जी, जो कि और जो इस तरह की पत्रिकाएं बाजार में मिलते हैं उसकी तुलना में कहीं कम है। और अगर वो साल भर की सदस्यता लेते हैं तो वो 360 के बदले में 300 रुपये ही देंगे जी, और डाक से उनके घर भेजी जाएगी पत्रिका, ये भी एक सुविधा है उसी में जी। और ये कहाँ से मिल सकती है ये भी मैं बता देता हूँ, ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय जो कि पूसा नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पर विक्रय केंद्र है, कार्यालय है, वहाँ से ये लोग ले सकते हैं और सदस्यता भी वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पर अपना कैश या चेक से जैसे भी पेमेंट करके, और एक बार अगर वो अगर ले लेते हैं तो साल भर के पास अंक आते रहेंगे। जी बिल्कुल, उसके साथ साथ क्या इसका जो डिजिटल अंक है वो भी कोई भी कहीं से भी अगर चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं? हाँ, ये भी एक हम लोगों ने शुरुआत की है, हमारा उद्देश्य तो ये है कि किसानों तक ये पत्रिका का प्रचार प्रसार हो, व्यावसायिक हमारा एंगल कम होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो वेबसाइट है www.icr.org.in जी, उसके ऊपर हम लोगों ने ये पत्रिकाएं, सारी हमारी पत्रिकाएं अपलोडेड हैं, कोई भी
उस वेबसाइट पर जाके उन पत्रिकाओं को पढ़ सकता है, देख सकता है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपने आज हमें दी है। और पत्रिका का मूल्य महज 30 रुपये रखा गया है। वार्षिक सदस्यता आप लेंगे तो और भी ज़्यादा जो लाभ है आपको मिल पाएगा, आपको रियायत इसमें मिल जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही, आप कुछ भी कृषि कार्य करने जा रहे हैं, सारे कृषि कार्यों का इसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है विस्तार से, कैसे आप उनको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और ये सिर्फ इस महीने की बात नहीं बल्कि एक मासिक पत्रिका है जो लगातार जारी है। और अगर जैसा कि यहाँ अशोक जी ने भी बताया, 7 दशक से ज़्यादा का वक्त इस पत्रिका को हो चुका है और उम्मीद यही कर रहे हैं आगे भी इस तरीके से खेती पत्रिका आपके बीच तक पहुँचती रहेगी। फिलहाल अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जाना आज आपने खेती पत्रिका के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब आइए बात करते हैं कृषि शिक्षा की। जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हमारा हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है या उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में 3rd स्थान पे हैं। जी। हम पूरे विश्व में 3rd स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर, मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है फॉर्म्स वो कब मिलने लग जाते हैं और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका जैसा मैंने बताया NTA.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन आप अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई करके कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं और जहां तक एलिजिबिलिटी एरिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है और 12th जीव विज्ञान भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसको जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है। बिल्कुल अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को?
देखिए ये 4 साल का कोर्स है, ठीक, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जैसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें तक मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए एंटर। और इसको 4 साल करने के बाद आप कहीं किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कार्यक्रम में अभी तक आपने जानकारी ली ना सिर्फ कृषि साहित्य, कृषि शिक्षा और कृषि गतिविधियों के बारे में भी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले भाग की तरफ जो है सांस्कृतिक, जिसमें आपको झलक हम दिखाते हैं संस्कृति की। आज क्या है इसमें खास, आइए देखते हैं। आपको बता दें कृषि परिक्रमा कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं। साथ ही कृषि परिक्रमा के जो पहले कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं वो भी आप यूट्यूब पर कभी भी कहीं भी आप देख सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की जानकारी से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। नई नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।